साइड है और ये अब इस तरह से हमने इसे डिवाइड करना होता है कि ये दरमियान में एक इंटरमेडुलरी लेमिना है, मतलब एक लाइन है जो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देती है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं इंटू द वेंट्रल साइड एंड इंटू द डॉर्सल साइड। ये आगे और ये हमारे पास एंटीरियर साइड होती है और ये पोस्टीरियर साइड होती है। एंटीरियर से ही हम एंटीरियर न्यूक्लियस याद रखेंगे, पोस्टीरियर से पल्विनार, ठीक है। अब आपने देखना कि पल्विनार के बिल्कुल नीचे यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज होती हैं। अब जिस तरह थैलेमस हमारे पास बॉडी में इस तरह पड़ा होता है, तो ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है। ये इसकी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है सेवन्थ वाली, और एट्थ वाली इसकी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी क्योंकि बाहर की तरफ आती है। अब ये पल्विनार है, ये एंटीरियर न्यूक्लियस, ये है डॉर्सो मीडियल। डॉर्सल का मतलब है कि एक तो पहले ही वो पीछे की तरफ है और दूसरा यहाँ पे हमारी मीडियल साइड होती है ब्रेन की, क्योंकि एक दूसरा थैलेमस होगा ना, तो ये हो गया डॉर्सल मीडियल, ये एंटीरियर, ये पल्विनार, और यहाँ पे अब हमारे पास आ गई है इसकी पूरी वेंट्रल साइड। अब इसकी जो पूरी वेंट्रल साइड है इसे हम फर्दर आगे टू सेट्स में डिवाइड करते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब इसमें से भी फर्दर ये डॉर्सल साइड है और ये इसकी वेंट्रल साइड है। अब ये इनको हमने जब दो में डिवाइड किया तो आपने इसको LD और LP से याद रखना है। अब इसको भी इस तरह याद रख सकते हैं कि पोस्टीरियर वाला जो है ना लैटरल पोस्टीरियर, वो पोस्टीरियर साइड पे आएगा और ये आगे लैटरल डॉर्सल, ये आगे वाली साइड के ऊपर आएगा। फिर ये बाकी सारे वेंट्रल न्यूक्लियाई हैं। वेंट्रल न्यूक्लियाई को भी हमने एंटीरियर पोस्टीरियर और जो बीच में रह जाएगा वो हो जाएगा लैटरल वाला। ये वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लैटरल और ये वेंट्रल पोस्टीरियर। वेंट्रल पोस्टीरियर को भी आगे से हम दो में डिवाइड करते हैं, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल और वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल। अब आप इसे खोलें तो ये जो बाहर की तरफ है ये हमारे पास है वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल, और जो अंदर की तरफ है ना यहाँ पे ये हमारे पास